दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनावों में किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी मात? क्या दिल्ली में फिर दिखेगा मोदी चमत्कार या फिर अरविंद केजरीवाल करेंगे कमाल, या कांग्रेस के हाथ को फिर मिलेगा जनता का साथ? ये साफ होगा 10 फरवरी को, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में क्या दिल्ली का मूड है इस रिपोर्ट में देखें। 10 फरवरी को जनता जनार्दन दिल्ली में चुन लेगी अपना भाग्य विधाता। किसे मिलेगा दिल्ली का सिंहासन, किसे मिलेगी सत्ता की कमान, इसका फैसला 10 फरवरी को होगा। लेकिन तमाम न्यूज चैनल और एजेंसियों की ओर से कराए गए सर्वे में आपको बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। चुनावी सर्वे की तरह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। सर्वे में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में चुनाव के बाद एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को राहत मिली है। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली का एग्जिट पोल। इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे। आम आदमी पार्टी को इस सर्वे में 31 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा को 27 से 35 जबकि कांग्रेस को महज 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल के मुताबिक लोकसभा चुनाव के साथ ही जीत के रथ में सवार बीजेपी को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रौनते नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के पहले रुझान के मुताबिक बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता हासिल करती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी 39 सीट पर जीत का परचम लहराकर दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 28 सीटें आने का अनुमान है तो कांग्रेस महज 3 सीटों तक सिमट कर रह गई है। इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो का सर्वे भाजपा की हवा निकालने वाला है। सर्वे में आम आदमी पार्टी को 35 से 43 सीटें जबकि भाजपा को 23 से 29 सीटें और कांग्रेस को महज 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीटीवी के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 37 सीटें, भाजपा को 29 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। एक्सिस के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 53 सीटें, भाजपा को 17 सीटें, कांग्रेस को 2 जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ये एग्जिट पोल के शुरुआती अनुमान है और इन अनुमानों में तब्दीली हो सकती है। चुनाव विश्लेषण में ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को जितनी सीटें मिलने की संभावना जताई गई है उसे अनुमान से अधिक सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के सबसे ताजा सर्वे के रुझान अगर 10 फरवरी के नतीजों के रूप में आते हैं तो अब मोदी सरकार के अपने 8 महीने के काम का हिसाब देने का वक्त आ गया है। एग्जिट पोल के बाद भाजपा को अफसोस होगा कि किरण बेदी पर दांव क्यों आजमाया गया। उसे अफसोस होगा कि मोदी का चेहरा लेकर वो क्यों चुनाव मैदान में नहीं उतरी। अफसोस होगा कि क्यों महज चुनावी भाषणों में 8 महीने के काम को दिखाया गया, और अफसोस होगा कि पार्टी के अंदर की गुटबाजी पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनआई न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।